फायरिंग करने के लिए एक बार फिर चंद्रबान एचरा एक्सीलेंट सेवाएं दे रहे हैं इस मुकाबले की अंपायरिंग करेंगे। अंपायर की भूमिका में महेश सारन और काशी बेनीवाल दोनों इस समय डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक महाटक्कर, एक रोमांचक मुकाबला, एक बार फिर धमाकेदार विस्फोटक आगाज की उम्मीद लगाए बड़ी संख्या में, बड़ा हुजूम, बड़ा मेला इस समय महोत्सव का बखूबी आनंद उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, आसपास के गांव से और स्थानीय निवासी तमाम दर्शकों के हाथ में तिरंगे झंडे। जेपी इस समय पहले सेमीफाइनल मुकाबले के पहले ओवर की पहली बॉल लेकर के तैयार, सामना करेंगे नीटागढ़ थाना। स्केटलेग अंपायर की भूमिका में महेश सारन, स्ट्राइक अंपायर के तौर पर चंद्रबान एचरा इस मुकाबले की पहले सेमीफाइनल मुकाबले की अंपायरिंग कर रहे हैं। हुटिंग में लगातार जबरदस्त हुटिंग की जा रही है हमारे खेमे के द्वारा, धर्मा खेमे के द्वारा इस समय। स्पीड स्टार जेपी पहले सेमीफाइनल मुकाबले की पहले ओवर की बॉलिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए। एक बेहद इंटरेस्टिंग मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला, एक कड़ा मुकाबला इस समय शुरू होने जा रहा है। जेपी ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर चंद्रबान को क्रॉस करने के बाद अपने आप को रोका। बल्लेबाज शायद सूर्य की किरणों को लेकर के परेशान थे, अब सूर्य को ढका जा रहा है और एक बार फिर नीटा गड़साना तैयार। जेपी ने दौड़ना शुरू किया इस सेमीफाइनल मुकाबले की पहली बॉल पर, छह रनों के लिए बॉल को उड़ा दिया मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से नीटा ने। छह रन मैक्सिमम सिक्सर के साथ नीटा ने ऑफ द मार्क किया। छह रनों के साथ तीन एसटीआर ने भी अपना खाता खोला। नीटा इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, दूर दूर जंगलों में जाकर के बॉल गिरा। बॉल को लाने के लिए हमारे वॉलंटियर दौड़ लगा रहे हैं और जो वॉलंटियर शीघ्र से शीघ्र बॉल ग्राउंड पर लेकर आएगा वापस, उन्हें शाम को एक एक समोसा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा, उपहार स्वरूप दिया जाएगा। धमाकेदार आगाज एक मरतबा फिर जेपी चले अपने वर्क की अगली बॉल लेकर के नीटा के लिए, और नीटा ने एक बार फिर लेग साइड में बॉल को निकाल दिया। तो अंपायर का इशारा एक बार फिर छह रनों के लिए बॉल मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से बैक टू बैक दूसरा सिक्सर नीटा गड़साना के बल्ले से आया। स्कोर था पहुंचा तीन एसटीआर का, 12 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बिना किसी विकेट के नुकसान पर। धमाकेदार आगाज अविश्वसनीय लय में नजर आ रहे नीटा गड़साना। पिछले मुकाबले में मनीष गंगानगर ने शीघ्र इन्हें निपटा दिया, केवल 8 रन की पारी खेली थी। इस बार दो बॉल पर दो बैक टू बैक सिक्सर जड़े हैं राजस्थान कोस्को के स्टार गेंदबाज जेपी को। जेपी थोड़े से प्रेशर में जरूर नजर आ रहे अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के नीटा के लिए। इस बार अच्छी वापसी की, बिल्कुल आंखें मूंद करके बल्ले को घुमाया, बॉल उनकी बॉडी पे आकर टकराया, कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी। फॉलो थ्रू में विकेट कीपर ने बॉल को फील्ड कर लिया बिना किसी रन के। तीन बॉल अभी तक डाली गई है, 12 रन स्कोर इस समय तीन एसटीआर का स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अगली बॉल एक बार फिर बेहतरीन लाइन पर बॉल डाली गई और चार रनों के लिए बॉल निकल गया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, तमाम फील्डरों को बीट करते हुए। एक और बाउंड्री नीटा गड़साना के बल्ले से आई तीन एसटीआर के अकाउंट में। स्कोर जा पहुंचा 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नीटा गड़साना अद्भुत लय में नजर आ रहे हैं, बेहतरीन रिदम प्राप्त कर चुके हैं। स्पीड स्टार जेपी के इस ओवर में 16 रन अभी तक कंसीड किए गए नीटा गड़साना के द्वारा। 17 एमडी बनाम 3 एसटीआर, पहला सेमीफाइनल मुकाबला, महामुकाबला, फाइनल से भी बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। जेपी एक मरता फिर नीटा के लिए, अंदरूनी किनारा लगा और बॉल जा रहा बैकवर्ड से लेग एरिया में, दो फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे। अंतिम समय में बॉल को सीमा रेखा के ऊपर फील्ड कर लिया गया। एक रन लेने का मौका नीटा गड़साना के पास, एक रन के साथ 17 रन स्कोर जा पहुंचा 3 एसटीआर पहले बल्लेबाजी करते हुए। जेपी शीघ्र से शीघ्र ब्रेक थ्रू चाहिए। अब आई है डेंजर मैन, इनवाइटेड प्लेयर, द बिग नेम ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री विशाल सीतो। एक बार फिर जेपी चले अपने ओवर की अगली बॉल लेकर, अंपायर को क्रॉस करने के बाद विशाल सीतो के लिए। रक्षात्मक रूप से खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में। एक ओवर की समाप्ति के बाद तीन एसटीआर ने पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा और कॉमेंट्री में आगे बजरंग जाखड़। थैंक यू चक्करधारी। एक ओवर की समाप्ति पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन एसटीआर की टीम ने 17 रन बना लिए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ओपनर बल्लेबाज विशाल सीतो और नीटा गड़साना बीच क्रीज पर डटे हुए। अब बॉलिंग की जो कमान है वो शायद मुकेश के हाथ में।
मुकेश अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर स्टार्ट करते हुए सामने है नीटा। अच्छी गेंद पर गेंद को निकाल दिया है, गेंद आ रही है लेग साइड में, शॉर्ट है, लेग के फील्डर फ्राटा वहां मौजूद और फ्राटा की गेंद जब हाथ में गई तो रन लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली गेंद लेकर मुकेश नीटा के लिए, ये गेंद अच्छी गेंद हवा में ऊपर उछली, देखना है अंपायर का इशारा क्या आता है और छह रन का इशारा आया जैसी, हालांकि मिस टाइम जरूर कर गए थे लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री से क्लियर चली गई। छह रनों के लिए इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 STR का, 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, मुकेश अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर डालते हुए निर्धारित 6 ओवर का ये मैच इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 3 STR और 17 MD के बीच खेला जा रहा है। अगली गेंद लेकर मुकेश, अच्छी गेंद, नीटा ने खेलना चाहा लेग साइड में लेकिन कामयाब नहीं हुए, गेंद बैट को पूरी तरह से काटी हुई सीधी कीपर के हाथ में, बाकी का काम तमाम किया कीपर ने, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर मुकेश अंपायर को क्रॉस किया, नीटा के लिए अच्छी गेंद, पार गेंद को लेग साइड में निकाल दिया है, फाइनल बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट लेग पर फील्डर जरूर मौजूद था लेकिन फील्डर को चकाती हुई गेंद इतनी तेज गति से निकली, फील्डर के लिए कोई चांस ही नहीं बना गेंद को रोकने का और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 STR का 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 3 STR की टीम, मुकेश अपने गेंद लेकर नीटा के लिए अच्छी गेंद को निकालकर दोनों बल्लेबाज निकल पड़े रन के लिए, मिसफील्ड जरूर कर गए अन्यथा रनआउट का खतरा बन सकता था। एक बार नीटा ने मना किया विशाल सीटों को लेकिन आखिरकार जब देखा कि विशाल तो पहुंच गए हैं बिल्कुल पास में ही आ गए, एक एंड पर दोनों लगभग इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर नीटा ने खुद सोचा कि अब तो भागने में ही अच्छा है और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे पहली बार इस ओवर में विशाल सीटो शक्तिमान, मुकेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ, विशाल के लिए अच्छी गेंद है और इस बार गेंद को सीधा बैट के बीचों बीच लेकर मिड विकेट और ऊपर से निकाल दिया मिड विकेट के 6 रनों के लिए, दन दनाता हुआ छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 STR का 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और नीटा अपने प्लेयर्स से अपील कर रहे हैं कि कृपया जो बाहर छक्के के लिए गेंद गई है वो ही गेंद प्रोवाइड कराई जाए। इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 STR ने 34 रन बना लिए हैं। जो करंट रन रेट है वो 17.80 की चल रही है, बहुत ही अच्छी रन रेट मैं कह सकता हूं। इस तरह से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से 80 या 90 का स्कोर प्लस कर सकते हैं क्योंकि बल्लेबाजी में काफी गहराई है। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर चक्करधारी। जेपी तीसरे ओवर की पहली बॉल नीटा को ऑफसाइड आउट पूरी तरह से बीट किया डॉट डिलीवरी। हेलो हेलो, तो जेपी 17 MD की ओर से तीसरे ओवर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और पहली बॉल पर नीटा को पूरी तरह से बीट किया अपने ओवर की अगली बॉल लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद किनारा लगा और मिसफील्ड बहुत बड़ी हानि। जेपी खासे हताश फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं, विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी भी चूक गए और 4 रनों के लिए बॉल फाइनल सीमा रेखा के बाहर निकल गया। खराब विकेट कीपिंग, बहुत बड़ा मौका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मैच हाथ से निकाल दिया। जेपी अब करे तो क्या करे, तो 4 रन और आए 4 रनों के साथ 3 STR का स्कोर जा पहुंचा 38-38 रन। 2.1 ओवर का खेल हुआ है, 6 ओवर का ये सेमीफाइनल मुकाबला। जेपी एक बार फिर अंपायर चंद्रमा ने इतना को क्रॉस करने के बाद नीटा के लिए एक बार फिर बेहतरीन डिलीवरी, इस बार फिर नीटा को पूरी तरह से बीट किया जेपी ने। इस ओवर में लगातार जेपी हावी होते हुए नजर आ रहे नीटा के ऊपर, मिस टाइम शॉट भी था, विकेट कीपर मिस कर गए, अन्यथा बहुत बड़ा विकेट बहुत बड़ी मछली यहां पर जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते। जेपी और फील्डिंग साइट ने निराश किया, 2 फील्डर वहां मौजूद थे, दोनों के हाथ से बॉल छिटक गई, 4 रन भी प्राप्त हुए। एक बार फिर जेपी तीसरे ओवर की अगली बॉल लेकर के अंपायर चंद्रबान को क्रॉस करने के बाद अपने ओवर की
अगली बॉल और नीता ने इस बार सीधे बल्ले से बॉल को निकाल दिया। अरुण बिश्नोई मौजूद, केवल दौड़ लगाते रह गए। अरुण बिश्नोई डेंजरस फील्डर है, चार रनों के लिए बॉल सीमा रेखा के बाहर यात्रा कर गया। चार रन नीता के बल्ले से और आए, 42 रन स्कोर जा पहुंचा 3 STR का इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए। जेपी एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस करने के बाद नीटा के लिए बढ़िया बॉल, जबरदस्त वापसी की गई जेपी के द्वारा और तूफान इस समय जेपी की आंखों में भी नजर आने लगा है। नीटा लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं, छोर से लगातार नॉन स्ट्राइक एंड से आए। नीटा को बताया किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जेपी किस ट्रिक के साथ, इस चतुराई के साथ गेंदबाजी की जा रही है। अब समझाया नीटा, पुनः तैयार सामना करने के लिए जेपी का बड़ा हुजूम, दर्शकों की क्राउड इस समय अनबिलीवेबल। अगली बॉल और नीटा करता है बैकफुट पर जाते हुए खूबसूरती के साथ मिड विकेट के ऊपर से बॉल को उड़ा दिया। व्हाट अ सिक्स, व्हाट अ टाइमिंग, अनबिलीवेबल। मैक्सिमम सिक्सर आया 6 रनों के साथ, 48 रन स्कोर जा पहुंचा। 3 STR 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन और जनरेटर के तेल के लिए जिन भामाशाहों ने अभी तक लिस्ट में नाम दर्ज करवाया उनके नाम मैं आपको पुनः बता दूं। ₹100 श्रीमान सुरेश जी खोत के द्वारा दिए गए, श्रीमान गोकुल जी के द्वारा भी ₹100, जनरेटर के तेल के लिए सुनील जी चारण के द्वारा ₹100, जगतार सिंह जी के द्वारा ₹200, कालू राम जी एचरा के द्वारा ₹100, रणजीत जी गेदर के द्वारा ₹100 और ₹100 किसी भाई ने गुप्त दान तो महाकल्याण। चौथे ओवर की पहली बॉल और विशाल सीतो, व्हाट इज दिस, व्हाट अ शॉट, 6 रनों के लिए बॉल। भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है यार। की पहली बॉल पर मैक्सिमम सिक्सर जरा यहाँ पर विशाल सीतो ने और स्कोर जा फाइनल भाई फाइट सेमी है वो 54 रन फाइट सेमी चल रहा है। तीसरे ओवर की शुरुआत की गई 17 MD के और से पहली बॉल पर मैक्सिमम सिक्सर करारी हिट के साथ स्वागत किया विशाल सीतो। क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम पटाखे पेंदे नजर आ रहे हैं। एक मरतबा फिर मुकेश माकुचले, तीसरे चौथे ओवर की अगली बॉल विशाल सीतो ने ऑफसाइड ऑप्शन कट कर दिया और बॉल आ रहा पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ 58 58 रन 3 STR पहले बल्लेबाजी करते हुए। और भामाशाह लिस्ट में इस समय एक और बड़ा नाम जुड़ता हुआ श्रीमान प्रेम कुमार जी एचरा। अरे भाई कई बार यार नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाए भाई, ये गर्मी बहुत पड़ा है यार, गर्मी बहुत पड़ा नहीं तो फोन गर्म हो जाए और बीकार मेरी क्वालिटी छोड़ जाए। कई बार से बिलोंग करते हैं श्रीमान भीकाराम जी लोटिया के द्वारा ₹500 सेकंड सेमी 10 AS वर्सेज गोदारा 11 दी गई है, 10 AS वर्सेज गोदारा 11। फिर मुकेश माकू अपने ओवर की अगली बॉल लेकर विशाल सीतो ने 6 रन हेलीकॉप्टर स्टाइल में से बहुत ही लंबा छक्को भाई के ऊपर से 6 रनों के लिए एक और मैक्सिमम सिक्सर विशाल सीतो के बल्ले से आया, स्कोर जा पहुंचा 64 64 रन 3 STR 64 रन इस समय पहले बल्लेबाजी करते हुए। और भामाशाह लिस्ट में एक और नाम इस समय जुड़ता हुआ रेलवे विभाग सूरतगढ़ से श्रीमान अशोक कुमार जी, सही बात है अशोक भाई जी, श्रीमान अशोक कुमार जी सनोप श्रीमान राजा सिंह जी 6 रन इसी बीच बहुत ही लंबा छक्को सिक्सर विशाल सीतो के बल्ले से आया, स्कोर जा पहुंचा 70 रन 3 STR सिक्सर के साथ। विशाल गुदारा तो बल्ले बल्ले करा रखी आज, बहुत ही लंबा छक्का मारे है भाई, भी बॉल थी ग्राउंड पर सारी सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है। सारा भाई ने एक एक शेयर कर दिया और बहुत तगड़ा मैच है भाई, करवाई जा रही है और भामाशाह को क्रिकेट को शक्तिमान। रेलवे विभाग सूरतगढ़ से श्रीमान अशोक कुमार जी सनाप श्रीमान राजा सिंह जी 17 LM के मूल निवासी है, 500 रुपए की नहीं भाई जी समझ के सफल आयोजन हेतु दिए गई है। श्रीमान अशोक कुमार जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल सीतो और भाई सफल आयोजन हेतु श्रीमान शक्तिमान गई है। एक बार फिर मुकेश चले अपने ओवर की अगली बॉल, इस बार विशाल सीतो को पूरी तरह से छकाया और ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की पहलो सेमी चल रहा है भाई जी, स्कोर इस समय 70 अशोक भाई जी पहलो सेमी है, 70 रन बनाए हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 STR नीटा गड़साना ने पहले बल्लेबाजी की, बात दूसरा सेमी होगा 10 AS वर्सेज गुदारा 11 12 AB एक और 10 AS वर्सेज गुदारा 11 12 AB सेकंड सेमी प्रकाश जी मौत 15 LM के मूल निवासी है। हाँ भाई वो भी विशाल गुदारा ही है, टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु वो विशाल सीतो प्रकाश जी मौत के द्वारा दी गई है। तो बॉलिंग में बड़ा परिवर्तन किया गया, सही है प्रदीप भाई जी, हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सामना नीटा गढ़ताना करेंगे।
पांच ओवर के पहले बॉल को नेटा करता है, खूबसूरती के साथ पुल कर दिया, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, बॉल ट्रेवल कर गया, छह रनों के लिए हवाई फायर। फर्राटा सिंह का भी सिक्सर के साथ जोरदार। वो मैच देखो, अगला मैच भी नहीं लगाऊंगा, वो एक मैच देख लियो यार। 76 रन, 48 रन बनाकर नेटा दर्शाना इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। 48 रनों के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय नेटा दर्शाना बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा 76, 76 रन, 3 STR, 76 रन। पांचवें ओवर की शुरुआत की गई, फर्राटा सिंह को पहली बॉल पर करारी हिट यहां पर जड़ेगी। विशाल और नीटो दोनों बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं, परेशानी में नजर आ रही है, ट्रेमेंडियस प्रेशर नजर आ रहा है फर्राटा सिंह अपने ओवर की। अगली बॉल लेकर नीटा गर्साना ने एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच लिया, घूमते हुए बॉल को उड़ा दिया मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से, एक और मैक्सिमम सिक्सर, एक और गगन भेदी सिक्सर नीटा गर्साना के बल्ले से आया और इसी के साथ नीटा गर्साना ने अंतर भाई जी फाइनल में कोई कौन कौन चीज दो सेमी पड़े हैं, वो फाइट सेमी के बाद एक सेमी और पड़े हुए। एक बार फिर चले फर्राटा सिंह नीटा के लिए ऑफसाइड ऑफ स्टंप, इस बार चाचा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लोव्स में, डॉट डिलीवरी और लिस्ट में एक और भाई कैमरा साफ है यार, कोई दिक्कत नहीं कैमरा में, धूप पड़ा है, गर्मी कारण क्वालिटी डाउन हो रही है। तारा चंद जी चारण 15 एलम के मूल निवासी, 500 रुपए इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सहयोग है तो श्रीमान तारा चंद जी चारण ने भी यहां पर दिए। तारा चंद जी चारण का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच 4 रनों के लिए नेटा कर चीयर गर्ल के बाहर निकाल दिया और स्कोर जा पहुंचा 86-86 रन। बहुत लंबो छक्को यार, सिक्सर नीटा गर्साना के बल्ले से आता हुआ, स्कोर जा पहुंचा 3 STR का 92-92 रन। नीटा 3 STR पहले बल्लेबाजी करते हुए समय 92-92 रन। दूसरा सेमी 10 AS वर्सेज गुदारा 11-12 AB। बामासा लिस्ट में एक और नाम जुड़ा श्रीमान क्षेत्रपाल जी बांबू, खेतरपाल जी बांबू के द्वारा जनरेटर के तेल के लिए 100 रुपए आर्थिक सहायता दी गई है। श्रीमान खेतरपाल जी बांबू का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉमेंट्री में आगे फर्राटा सिंह अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के नेटा सिंह के लिए, एक बार फिर इनसाइड आउट डीप में फील्डर मौजूद, बड़ा मौका, बड़ा मौका, अरुण बिश्नोई चूकने वाले हैं नहीं और इसी के साथ नीटा सिंह की पारी का अंत हुआ। नीटा गर्साना आउट होकर वापस डग आउट में लौट रहे हैं, फर्राटा सिंह को यह पहली कामयाबी मिली, 17 MD को यह पहला ब्रेक थ्रू मिला, अरुण बिश्नोई ने लाजवाब कैच लपका, फर्राटा सिंह ने गेंदबाजी की और नीटा गर्साना आउट होकर के वापस डग आउट में। स्कोर इस समय 3 STR का 92-92 रन एक विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी ओवर डालने के लिए अरुण बिश्नोई के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और कमेंट्री में बजरंग जाखड़। थैंक यू मेरे साथी चक्करधारी, मेरे साथी स्कोर नानक सिंह ने बताया है, नीटा 64 रन बनाकर वापस पवेलियन में लौटे हैं, बहुत ही शानदार और उमदा इनिंग्स खेलकर वापस पवेलियन में लौटे हैं। जिस अंदाज से उम्मीद की थी 3 STR के खिलाड़ियों ने कि नीटा एक अच्छी पारी खेलकर आए, उसी उम्मीद पर खरे उतरे। अब बिश्नोई आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अरुण बिश्नोई अपने कोटे का पहला और पारी का शायद अंतिम ओवर करेंगे। जरूर बुला के देगा सुधीर भाई जी थाने। तो अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और देखा पर खजाने भर दिया गेंद को कीपर के पास, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर है 3 STR का 92 रन एक विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर अरुण बिश्नोई। विशाल सीधो रन, बहुत ही लंबा छक्को बीचों बीच लेकर सीधा लॉन्ग ऑन ओवर, आ तो मन लब है कौन लब है बोल, बहुत ही लंबा छक्को के बीच से निकाल दिया है गेंद को 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 98 रन एक विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर अरुण बिश्नोई। एक और छक्को और इस बार गेंद को निकाल दिया, वो भी बहुत लंबा छक्को भाई, टूर्नामेंट को सबसे लंबा छक्को, ओवर द रोप जाकर गिरी है गेंद 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ 100 रन पूरे करती हुई 3 STR की टीम 104 रन एक विकेट के नुकसान पर। अरुण बिश्नोई अगली गेंद लेकर सामने है विशाल सीतो शक्तिमान, अच्छी गेंद एक और छक्को उठा दिया है सीधा लॉन्ग बाउंड्री से
बाहर छह रनों के लिए। और अब मैं मेरे साथी स्कोर बता रहे हैं कि विशाल सीतो शक्तिमान खेल रहे हैं, 46 रन बनाकर नाबाद हैं अपनी पारी में शानदार। अगला मैच है गुदारा क्लब का, 7 छक्के और एक चौका लगाया है मात्र, कोई सिंगल नहीं, गिनती आंकड़ों में जाके गिरी, 7 छक्के और एक चौका, 46 रन बनाकर नाबाद है और टोटल स्कोर जा पहुंचा है 110 रन, एक विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर प्रगति पर है। देखना है 3 एसटीआर के बल्लेबाज कहां तक इस स्कोर को और खींच पाते हैं, काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। अगली गेंद लेकर विशाल के लिए अच्छी गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वाजे भी मौजूद है, मना किया इस बार विशाल सीतो ने कि नहीं सिंगल नहीं लिया जाएगा। अब इतनी बड़ी पारी सेकंड पारी में बिली शैडो लगाऊंगा, सिंगल से क्या बनेगा, स्कोर काफी लंबा बन चुका है। अगली गेंद लेकर अरुण बिश्नोई सामने है विशाल सीतो, अच्छी गेंद पर गेंद को ड्राइव कर दिया है, फॉलो थ्रू में गेंद को, अच्छी फील्डिंग की और रन आउट, और ओवर की भी समाप्ति हुई। तो इस तरह से निर्धारित 6 ओवर के अंदर इस टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में 3 एसटीआर ने 110 रन बनाए हैं और नेल्सन का स्कोर दिया है 17 एमडी को जीतने के लिए। 3 एसटीआर टीम की जो बल्लेबाजी की जो गहराई है वो काफी देखने को मिली इस इनिंग्स के अंदर। पहले विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी हुई इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, नीता और विशाल सीतो के बीच में, और विशाल सीतो नॉट आउट गए हैं वापिस पवेलियन में, 46 रन बनाए थे अपनी उमदा इनिंग्स खेलकर वापिस पवेलियन में जाते हुए। और अब 3 एसटीआर के सभी खिलाड़ी बीच मैदान में पहुंचते हुए, क्योंकि समय की काफी कमी है, अभी भी एक सेमीफाइनल 111 का टारगेट है बाकी है, उसके बाद में 111 का टारगेट है, महाफाइनल होने वाला है, उसके बाद में सम्मान वितरण समारोह, जो पुरस्कार सम्मान वितरण समारोह है उसमें भी समय लगेगा। तो 3 एसटीआर टीम के भले भांति प्लेयर्स है वो जानते हैं समय काफी हो गया है, 4 बज चुके हैं, जल्दी से कैप्टन से निवेदन करता हूं कि अपनी फील्ड सेट करें, अगला सेमीफाइनल जल्दी से जल्दी करवाना, उसके बाद में महाफाइनल इस महाकुंभ का देखने को मिलेगा। टूर्नामेंट के महायोजन का आज ये 9वां दिन और अंतिम क्षणों में पहुंचता हुआ, अभी कुछ ही देर बाद में लगभग 15 या 20 मिनट बाद में इस टूर्नामेंट की जो पहली फाइनल में टीम पहुंचने वाली होगी उसका खुलासा होगा। 111 रनों का टारगेट दिया है 17 एमडी को जीतने के लिए, देखना है 17 एमडी की जो बल्लेबाजी है वो भी काफी गहराई वाली है, 36 बोले 111 रन, वो कैंपर ले आते जरूर है लेकिन कैंपर मंगा दे, नामुमकिन का शब्द नहीं है, बाकी ठीक है काम, स्कोर कैंपर मंगा, 111 रन बनाने हैं 17 एमडी को जीतने के लिए। बल्लेबाजी में बहुत बड़ी गहराई है 17 एमडी की टीम के अंदर, देखना है कहां तक इस स्कोर को चेस कर पाती है, आने वाला समय ही बताएगा। 10 एएस के कैप्टन और गोदारा किंग्स 11 के जो कप्तान हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि दोनों कैप्टन कृपया कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे अगले सेमीफाइनल के लिए, इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल जो इस इनिंग्स के तुरंत बाद होगा उसकी टॉस की जो प्रक्रिया वो करवा दी जाए ताकि समय की बचत रहे, समय काफी कम है, 4 बज गए हैं और आज के दिन का जो सेमीफाइनल है एक वो भी बाकी है और महाफाइनल भी आज के दिन ही कराया जाएगा, तो समय काफी कम है। 3 एसटीआर के कैप्टन से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया जल्दी से फील्ड सेट करें, और वहीं 17 एमडी के कप्तान से मैं निवेदन करता हूं कि अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच क्रीज पर पहुंचाए। भाई अब बढ़िया चल रहा है, लाइव बताइए कमेंट करके, लाइव जो इस टूर्नामेंट का पूरा प्रसारण लाइव चलाता वो अपनी साइड बदलकर पश्चिम दिशा की तरफ आ गया क्योंकि सामने सूर्य की वजह से परेशानी हो रही थी लाइव के अंदर कमेंट्स में काफी। भाई लाइव बताइए यार बढ़िया चलेगा शो, कब फील्ड सेट की जाए कृपया। हेलो हेलो
तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस समय 3 STR बनाम 17 MD के बीच खेला जा रहा है। जीत के लिए 111 रन बनाने हैं यहां पर 17 MD को निर्धारित 6 ओवर में। 3 STR नीटा गढ़साना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 रन बनाए। जीत के लिए 17 MD के सामने 111 रनों का लक्ष्य रखा गया। फर्राटा सिंह और अरुण बिश्नोई सलामी बल्लेबाज के रूप में ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। फर्राटा सिंह का बल्ला अगर यहां चला तो डेफिनेटली इस टारगेट को चेस करने के अरमान खान फर्राटा सिंह और 17 MD की बल्लेबाजी क्रम में जिस प्रकार की गहराई है इस टारगेट को निश्चित रूप से सूरज पड़ा। थैंक यू सारा भाई ने अगला थैंक यू सारा भाई ना उदय जाखड़ एवं गोदारा रंदर लावा अशोक कुमार पहुंच जाए। कमेंट्री बॉक्स में धीराज बेनीवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे मैच रेफरी टॉस के लिए आपका इंतजार किया जा रहा है। बॉलिंग की जिम्मेदारी एक मरतबा फिर कप्तान नीटा सिंह ने अपने हाथ में अपने ही कंधों पर डाली है और सामना करेंगे फर्राटा सिंह द डेंजर मैन। दूसरी पारी के पहले ओवर की पहली बॉल लेकर नीटा सिंह फर्राटा सिंह ने पहली बॉल को निकाल दिया। एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर एक बाउंस को रिसीव करती हुई बॉल सीमा रेखा के बाहर ट्रेवल कर गई 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ ऑफ द मार्क किया फर्राटा सिंह ने। 4 रनों के साथ 17 MD का भी अकाउंट ओपन होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा 4 रन। जीत के लिए 111 रन बनाने धमाकेदार सुपर डुपर सेमीफाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा। नीटा सिंह पहले भाई सही तो है क्वालिटी और क्यों है यार। फर्राटा सिंह के लिए इस बार अच्छी लाइन अच्छी लेंथ के ऊपर बॉल डाली गई। बुनकर के पुल करने की कोशिश की कामयाब नहीं हो पाए फर्राटा सिंह। केवल 1 रन आया 5 रन स्कोर जा पहुंचा। थैंक यू मदन भाई जी। ओ यार लाइव नहीं लाइक ना करो यार लाइक करो तो रुका लाइव सेटिंग पूरी कर ली गई। विशाल भाई यार 47 बनाया और स्पॉन्सर श्रवण गोदारा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है बल्लेबाजी करने का फैसला। नीटा सिंह अपने ओवर की तीसरी बॉल लेकर 6 रन बहुत लंबो चक्का अरुण बिश्नोई को। अरुण बिश्नोई ने ऑफ द मार्क किया और ये बता दिया जेपी बॉलिंग बढ़िया करी भाई कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ बहुत कुछ बाकी है। तो सुधीर भाई जी यार पहुंचा 17 MD का 11 रन। अच्छा कोई बात नहीं बुला दें सुधीर भाई जी यार और चाहिए सारा भाई एक शेयर कर दे यार गर्मी बहुत पड़ा है यार अगली गर्मी के कारण ही फोन क्वालिटी छोड़ दिया यार। थैंक यू सागर भाई जी धन्यवाद। टॉस डिलीवरी पहला ओवर कप्तान नीटा सिंह स्वयं डाल रहे हैं। सेलिब्रिटियों का आना लगातार जारी है। दर्शकों का अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स इस समय बड़ी संख्या में दर्शक बड़े मुकाबलों का लुत्फ उठा रहे हैं। भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम 15 LM की पावन धरा पर एक मार्च बाद फिर नीटा सिंह अपने ओवर की अगली बॉल लेकर अरुण बिश्नोई ने खूबसूरती के साथ बॉल को निकाल दिया। बॉल जा रहा बैकवर्ड खेलने के लिए हमें दो फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अंतिम समय में बॉल सीमा रेखा के बिल्कुल अंदर फील्ड किया गया बेहतरीन फील्डिंग की गई और 2 रन इस बीच दौड़ करके पूरे कर लिए अरुण बिश्नोई ने। 6 रनों के साथ इस मुकाबले में ऑफ द मार्क किया। नीटा सिंह ने भी बेहतरीन पारी खेली 64 रन बनाए। विशाल सीतो ने 46 रन सही तो है और 110 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। नीटा पहले ओवर की लगभग आखिरी बॉल लेकर के राजस्थान स्पोर्ट्स लाइव एंड की ओर से दौड़ना शुरू किया। अंपायर चंद्रमा ने इतना को क्रॉस करने के बाद एक बार फिर यहां पर अरुण बिश्नोई को बीट किया। जोरदार वापसी सिक्सर लगने के बाद नीटा सिंह की ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 17 MD का स्कोर। अरे यारी भाई बिना किसी विकेट के नुकसान पर राके का को देखाल सुनाएंगे बजरंग जाखड़। थैंक यू यार सागर भाई दे थैंक यू चक्रधारी। अब 5 ओवर में की दरकार है। Run.
थैंक यू प्रगट भाई यार। अरुण भाई जी दो ओवर 32 है मेरे, तीजा ओवर चली जाता है। कमेंट्री लैट कौनी भाई, स्कोर पूछा भाई कितो है यार। रन बहुत लंबो छक्को, जनरेटर नहीं चल रहा है यार, पता नहीं क्या बात होगी, लाइट कौन है भाई। Yeah.
तीन ओवर 43 रन। लैट को नहीं भाई जी यार अशोक भाई जी, तीन ओवर 43 रन। तीन ओवर 43 रन। छाली हो गया होना भाई, मैनू 43 किलो आए, चल 46 हो गया होना। छक्को आ गए पहली पर विशाल गया। जेपी कौन आउट हो भाई, चार रन। एक और छक्को नीट है वो, देखो सॉरी फ्राटे को बहुत लंबो। चार ओवर चौंट हो गए वीरे, दो ओवर चार ओवर चौंट रन। चार ओवर 64 रन। Let's go!
नो बॉल भाई, नो पर छक्को आ गयो। हेलो कमेटी में व्यवधान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, जनरेटर में तकनीकी खराबी के कारण कमेटी में व्यवधान आया, उसके लिए सभी दर्शकों से खिलाड़ियों से मैं क्षमा चाहता हूँ। स्कोर है 71 रन। अच्छी गेंद पर गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद आ रही है लॉन्ग और मिड विकेट के बीच से, फील्ड में मौजूद है पवन, गेंद को उठाते थ्रो करते इस बीच तोड़कर दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर दिया। इस एक रन के साथ स्कोर का पहुंचा है 17 एमडी का 72 रन। एक विकेट के नुकसान पर एकमात्र आउट होने वाले बल्लेबाज पिछले ओवर में इसी ओवर में आउट हुए, पहली गेंद पर फराटा सिंह आउट होकर वापिस पवेलियन में जा चुके हैं। शानदार कैच लपका था अशोक विशाल सीतो ने, चोरी अगली गेंद लेकर खालिक मक्कू के लिए, अच्छी गेंदबाज गेंद को खेल दिया है, गेंद आ रही है, मिसाइल जरूर कर गए थे, गेंद फुटो साकर लगी थी लेकिन एक रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर दिया। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 एमडी का 73 रन। काफी मायूस महसूस कर रहे हैं मुकेश, क्योंकि जिस तरह से गेंद आई थी उस तरह से शॉट लगा नहीं पाए। खालिक अपने ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में इस ओवर पर ही डिपेंड था इस मैच का परिणाम। अच्छी गेंदबाज गेंद को लेफ्ट साइड में खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। स्कोर वन डिलीवरी डाली इस बार खालिक ने, चतुराई बड़ी गेंदबाजी करते हुए खालिक। पांचवा ओवर प्रगति पर स्कोर है 73 रन एक विकेट के नुकसान पर। अरुण बिश्नोई सामना करेंगे खालिक का। खालिक की यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया फॉलो थ्रो में, अच्छी फील्डिंग का गुजारा करते हुए खालिक। तीन एसटीआर के लिए सभी प्लेयर्स अपना 100% देने की कोशिश करते हुए, जीत के लिए 111 रनों का टारगेट है वो काफी दूर। डेड बॉल का इशारा, डेड बॉल का इशारा कर रहे हैं, बॉल फट गई थी। तो नार रन तो लिया ही नहीं और बॉल भी काउंट नहीं होगी। अगली गेंद लेकर खालिक, अरुण बिश्नोई के लिए अच्छी गेंद, सीधा बैट के बीचों बीच लेकर टेंट के ऊपर से दर्शकों से खचाखच भरा हुआ वो टेंट। अरे भाई क्यों लोई किया यार, तू तेरी फेसबुक अपडेट कर लेनी यार, धंधा से दिखा के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 79 रन एक विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर प्रगति पर है, खालिक अपने कोटे का पहला और पारी का पांचवा ओवर डालते हुए 79 रन। अगली गेंद लेकर खालिक, अरुण बिश्नोई के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद आ रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, रन नहीं लेंगे माकू ने मना किया और ओवर की समाप्ति का इशारा आया इसी बीच। तो अब बची हुई 6 गेंदों में एक ओवर रनों की दरकार है जीतने एक ओवर 32 रह गया भाई एमडी को, और आगे क्या कुछ घटित होता है इन बची हुई 6 गेंदों में आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर चक्करधारी। तो बेहद इंटरेस्टिंग पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। 32 रन मुकेश माकू इस समय स्ट्राइक के ऊपर, एक ओवर माकू ने इस प्रकार के चमत्कार किए। बॉलिंग की जिम्मेदारी इस समय सौंपी गई है पवन के हाथ में। पवन एक बार फिर छठे ओवर की पहली बॉल लेकर मुकेश माकू के लिए पहली बॉल पूरी तरह से बीट कर दिया, मगर बैक टू बैक पांच सिक्सर भी आए तो भी 3 एसटीआर 1 रन से मुकाबला जीत लेगा। अब पलड़ा 3 एसटीआर का भारी नजर आ रहा है, बहरहाल अच्छी बल्लेबाजी जरूर की गई। अगली बॉल मुकेश माकू का एक मरता फिर बीट कर दिया दोस्तों, एक आउट बॉल, 4 बॉल, 32 रनों की और आवश्यकता। तो टारगेट का बखूबी फर्राटा सिंह और अरुण बिश्नोई के द्वारा पीछा तो जरूर किया गया लेकिन टारगेट बहुत ज्यादा माउंट एवरेस्ट की तरह विशाल था। 111 रन निर्धारित 6 ओवर में बनाने थे और कितने के रन बनाए जाए, 6 रन आए। इसी बीच मुकेश के बल्ले से बॉल मिड विकेट के ऊपर से जरूर उड़ाया गया, स्कोर जा पहुंचा 85 रन 17 एमडी का। 17 एमडी अब लगभग इस मुकाबले से बाहर सा होता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, एक बार फिर पटकी हुई डिलीवरी, तूफानी गेंदबाजी की है 3 एसटीआर के तमाम गेंदबाजों ने, दिग्गज बल्लेबाजों को भी हाथ खोलने का मौका दिया नहीं। अगली बॉल और मुकेश ने केवल रोक भर दिया तो 3 एसटीआर नीटा गड़साना
पहला सेमी फाइनलिस्ट हमें यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम इस समय नजर आ रही है तीन एसटीआर नीट अगरताना। तीन जीत की भाई नीट की टीम तीन एसटीआर पहली फाइनलिस्ट है तीन एसटीआर निश्चित रूप से।